हेलो फ्रेंड्स, यूजोत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोमोज के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 8 से 9 लाल टमाटर। 8 से 9 ही साबुत लाल मिर्च लेंगे। अब हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे, उसमें लाल मिर्च और टमाटर डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। ये देखिए टमाटर का छिलका उतरने लगा है। अब हम पानी को छान लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम टमाटर के छिलके को हटा लेंगे। लाल मिर्च की डंडी को भी हटा लेंगे। अब हम टमाटर और लाल मिर्च को पीस लेंगे। ऐसे अच्छे से पीसना है। ये देखिए लाल मिर्च चटनी का पेस्ट बनकर के तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच तेल के डालेंगे। अदरक और लहसुन के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तेल गर्म हो जाने पर अदरक और लहसुन को डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। इनका कलर सुनहरा होने पर तैयार पेस्ट को इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट पका लेंगे। इसमें थोड़ा गुनगुना पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिला लेंगे और 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। इसे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। मोमोज के साथ खाई जाने वाली लाल चटनी बन करके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।